जनपद संभल के चंदौसी में विशेष सड़क सुरक्षा सप्ताह का पुलिस क्षेत्राधिकारी और एआरटीओ ने शुभारंभ किया। इस समय प्रदेश के सभी जनपदों में यातायात माह मनाया जा रहा है। इसी परिप्रेक्ष्य में आज जनपद संभल की चंदौसी में पुलिस क्षेत्राधिकारी अशोक कुमार सिंह और एआरटीओ संभल अमरीश कुमार ने विशेष सड़क सुरक्षा सप्ताह का पुलिस क्षेत्राधिकारी कार्यालय के पास बने यातायात पुलिस के बूथ पर फीता काट कर किया। इस दौरान यातायात पुलिस प्रभारी अनुज कुमार मलिक भी मौजूद रहे। इस दिशा में पुलिस क्षेत्राधिकारी चंदौसी अशोक कुमार सिंह ने बताया कि शासन के निर्देश पर 1 नवंबर से 30 नवंबर तक यातायात माह मनाया जा रहा है। इसी को देखते हुए आज से विशेष सड़क सुरक्षा सप्ताह का शुभारंभ किया गया, जिसमें लोगों से यातायात नियमों का पालन करने को कहा जाएगा। वहीं एआरटीओ अमरीश कुमार ने बताया कि जिस तरह से कोविड के मामले फिर से बढ़ रहे हैं, इसी को देखते हुए लोगों से यातायात नियमों के साथ ही कोरोना से बचने की भी अपील की जाएगी। इस दौरान एनसीसी के कैडेट भी मौजूद रहे। उन्होंने लोगों को पेपर बांटकर उन्हें जागरूक किया। यातायात पुलिस ने इस दौरान ऐसी ट्रैक्टर ट्रॉलियों पर रिफ्लेक्टर भी लगाए जिन पर रिफ्लेक्टर लगे हुए नहीं थे। शुभारंभ किया गया है, क्या कहेंगे इस मौके पर? प्रतिवर्ष जो हम लोग 1 नवंबर से 30 नवंबर तक यातायात माह मनाते हैं, उसी के परिप्रेक्ष्य में इस बार 1 नवंबर से 30 नवंबर तक जो हम लोग यातायात सुरक्षा माह मना रहे हैं, उसके बीच में माननीय मुख्यमंत्री जी और एसीएस होम महोदय के आदेशानुसार सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाया जा रहा है, जो आज से 24 तक चलेगा। इसमें वर्तमान में जो कोरोना का प्रकोप अब धीरे धीरे पुनः पांव पसार रहा है, इसके दृष्टिगत हम लोग सभी को जागरूक करेंगे। ये कार्य आरटीओ संभल और यातायात पुलिस संभल के सहयोग से हम सभी में प्रचार प्रसार करेंगे। साथ ही सड़क पर चलने वालों को जागरूक करेंगे कि हेलमेट लगा के चलें, एक सीमित गति से चलें, मास्क लगा के चलें, ताकि किसी प्रकार का कोई दुर्घटना उनसे ना हो सके और हम अन्य दुर्घटनाओं को भी रोकने में सफल हो सकें। ये हमारे यातायात माह के बीच में सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाने का ये उद्देश्य है। सभी लोग स्वस्थ रहें, बीमारी से दूर रहें और सड़कों पर चलें तो नियंत्रित गति से चलें और एक अपने बचें तथा दूसरे को भी बचाएँ। सर, आज विशेष सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाया जा रहा है, इस सप्ताह पर जनता को क्या संदेश है? जैसा कि अभी सीओ साहब ने बताया है कि चूँकि हमारा यातायात माह चल रहा है 1 नवंबर से 30 नवंबर तक, हर वर्ष हम लोग कराते हैं। इस वर्ष एक विशेष स्थिति यह है कि कोविड-19 का प्रकोप आया, तो इस प्रकार हम लोग बड़े स्तर पर कार्यक्रम नहीं कर पा रहे हैं जिसमें सामूहिक रूप से गैदरिंग हो। छोटे छोटे ग्रुप्स के माध्यम से हम लोगों को प्रचार प्रसार करना है। अभी इसी महीने की शुरुआत में शासन से निर्देश आए थे कि चूँकि एक फोकस्ड तरीके से, चूँकि एक महीने का टाइम बड़ा होता है, इसमें एक आफ्टर दीपावली एक विशेष सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाया जाए, जिसमें यातायात माह के अंतर्गत जो हम लोग रोड सेफ्टी के कारण लिए कार्य कर ही रहे हैं, साथ में जो हमारा कोविड-19 का जो अभी एक्सपेंशन दोबारा हो रहा है, अभी NCR रीजन में दिल्ली में और उत्तर प्रदेश के नज़दीक भी हम लोग इधर हैं, यहाँ भी केसेस बढ़ रहे हैं, तो इसमें ये हुआ कि हम लोग एक जन जागरूकता का जो अभियान रोड सेफ्टी के लिए कर रहे हैं, इसी में हम लोग कोविड-19 के लिए भी लोगों को जागरूक करें और साथ में हेल्थ के साथ साथ सड़क पर चलने के ज़्यादा ज़्यादा सुरक्षित कर सकें, इसलिए हैं। इसमें कई तरीके के कार्यक्रम हैं हम लोग कर रहे हैं, जैसे कि आज अभी हम लोग ओवर स्पीडिंग का भी आज जाँच करेंगे, ट्रैक्टर ट्रॉलीज का सीजन स्टार्ट हो गया तो रिफ्लेक्टर टेप का भी हम लोग रिग्रेसरी करेंगे सारी शुगर मिल्स पे जाकर, तो थोड़ा सा सड़क सुरक्षा को इंश्योर करने के लिए ये कार्यक्रम है और कोविड-19 के साथ साथ।